डाल दिया। हाँ, यहाँ पर लिखा है फरीसियों और व्यवस्थापकों ने यूहन्ना से बपतिस्मा ना लेकर परमेश्वर के अभिप्राय, मतलब ये परमेश्वर का इच्छा है, परमेश्वर के अभिप्राय को अपने विषय में टाल दिया। तो आज के लोग कहते हैं बपतिस्मा लेने का जरूरत नहीं है, तो उनके अंदर फरीसी और शास्त्री का आत्मा है। और शैतान भी चाहता है कि लोग यीशु मसीह का वचन तो सुने, लेकिन यीशु के राज्य में प्रवेश मत करें। अब कई लोग बपतिस्मा को अपने जीवन से टाल देते हैं, अभी जरूरत नहीं है। अगर बपतिस्मा जरूरी नहीं होता तो यीशु मसीह बपतिस्मा नहीं लेता। यीशु तो स्वयं प्रभु है, उसने कोई पाप नहीं किया, फिर भी उसने परमेश्वर की इच्छा का पालन किया और उसने स्वयं बपतिस्मा लिया। तो ये बपतिस्मा का सही अर्थ है संसार के लिए मरकर मसीह में गाड़े जाना और फिर मसीह में जी उठकर मसीह की नई सृष्टि में शामिल हो जाना। रोमियो 12:2 में लिखा है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। ये कलीसिया ही स्वर्ग का राज्य है। एक कलीसिया को लेकर प्रभु यीशु मसीह आया, इस स्वर्ग के राज्य को प्रभु यीशु मसीह लेकर आया। इस कलीसिया को कोई मनुष्य ने नहीं बनाया है, इसे प्रभु यीशु मसीह ने बनाया है। लेकिन आज इस कलीसिया को भी लोगों ने व्यापार का घर बनाया है। आप लोग तो बाहर चर्च नहीं जाते होंगे, बाहर के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, मैं आपको बता रहा हूँ। लोग आज पैसे लेकर बपतिस्मा देते हैं और कई लोग पैसे देकर बपतिस्मा लेते हैं। अगर बपतिस्मा देने के समय कोई पैसा ले रहा है तो इसका मतलब वो लालची पास्टर है या लालची प्रभु का दास है। ऐसा बपतिस्मा नहीं होता, बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। और ऐसा भी नहीं है कि बपतिस्मा लिया तो उसका सर्टिफिकेट जरूरी है, ऐसा नहीं है। हमने शुद्ध मन से प्रभु पर विश्वास करके बपतिस्मा लिया है। बपतिस्मा लेने वाले का हृदय प्रभु की तरफ साफ होना चाहिए, लेकिन अभी यह धीरे धीरे व्यापार का घर बन रहा है। यीशु मसीह ने कहा है, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ, लेकिन आज कई जगह ये व्यापार का घर बन रहा है। अब लोगों को मसीही होने के लिए सर्टिफिकेट दिखाने का आवश्यकता पड़ रहा है कि मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं मसीही हूँ, जबकि बाइबिल कहती है लोग तुम्हारे स्वभाव और तुम्हारे चाल चलन को देखकर जानेंगे कि तुम मसीह हो। अब यदि हमारे पास बपतिस्मा का सर्टिफिकेट तो है, लेकिन हम गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं, हम सांसारिक जीवन जी रहे हैं, हम मूर्ति पूजा कर रहे हैं, हम सांसारिक त्यौहार में लिप्त हैं, तो भले ही हमारे पास बपतिस्मा का सर्टिफिकेट है, तो चाहे हम अपना नाम जॉन रख लें या फिर पीटर रख लें या फिर मैरी रख लें या फिर थॉमस रख लें या फिर जोसेफ रख लें, कोई फायदा नहीं है। बाइबिल कहती है तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। इसलिए आज के लोग बपतिस्मा को नहीं समझ पा रहे हैं, और नहीं समझने का सही अर्थ है बाइबल को सही रीति से नहीं पढ़ना, अच्छे शिक्षक का मार्गदर्शन नहीं होना। हम मसीह कहलाकर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, दूसरों को जबरदस्ती झगड़ा कर रहे हैं। देखिए, क्रोध आ जाता है, लेकिन जाने अनजाने हो भी जाता है भूल चूक, लेकिन हम माफ़ी मांगे परमेश्वर से। लेकिन एक आदत जो होता है ना, शराब पीकर लड़ाई करना है ना, किसी से भी कुछ भी अनाप शनाप बात करना, ऐसे मसीह लोगों का चाल चलन नहीं होता। इसलिए हम बपतिस्मा को समझें। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम मसीह के देह को, उसके बदन को ओढ़ लेते हैं। तो उसके बदन को ओढ़ने का अर्थ है उसके चाल चलन को ओढ़ना, उसके स्वभाव को ओढ़ना, तभी हम एक अच्छे और सच्चे मसीह कहलाएंगे, अन्यथा फिर हम झूठे मसीह हैं।